हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल एंड स्टडिंग वेल आल्सो। आई एम राहुल भटनागर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो हम अपने डेप्रिसिएशन के चैप्टर को अभी कंटिन्यू करेंगे। आज एक नया कंसेप्ट को सीखेंगे जिसका नाम है एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट। इससे पहले स्टूडेंट्स, हमने डेप्रिसिएशन के थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को बहुत अच्छे से समझा है। हमने इसके मेथड्स के, हमने स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड्स, इनकी दोनों को बहुत अच्छे से समझा और बहुत सारी ढेर सारी लम्बे इलस्ट्रेशंस करी हैं इसकी। इन केस स्टूडेंट्स, आपके अगर वो वीडियोस मिस हो गए हैं तो मैं चाहूँगा कि आप पहले उसको देख लो, क्योंकि कंटिन्यूएशन बना रहना बहुत ज़रूरी है। मेरे अपने वीडियो सीरियल नंबर है 40 से 45, इट मीन 6 वीडियोज़ मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ। अगर आपका कोई भी वीडियो मिस हुआ है तो आप 40 से 45 तक के वीडियो नंबर मेरा देख लीजिएगा, ठीक है। आज हम शुरू करेंगे एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट के बारे में। स्टूडेंट्स, एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट हम कब बनाते हैं? जब हम किसी मशीन को बेचने जाते हैं। एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ द मशीन, वन न्यू अकाउंट इज़ ओपन, दैट नेम इज़ एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट या मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। ये तभी बनाया जाता है जब किसी मशीन को बेचा जाता है। यहाँ मैंने कुछ स्टूडेंट्स फॉर्मेट्स बनाए हुए हैं, मशीन अकाउंट, मशीन डिस्पोजल अकाउंट, जिसको हम एसेट्स डिस्पोजल भी बोलते हैं। अगर हम मशीन को डिस्पोज कर रहे हैं तो मशीन डिस्पोजल अकाउंट, अगर फर्नीचर डिस्पोज कर रहे हैं तो फर्नीचर डिस्पोजल अकाउंट, और एक ये प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये भी हम इसको भी हम बनाना जानते हैं। कैसे जानते हैं? सिर्फ एक यही एक नया अकाउंट है। स्टूडेंट्स, द पर्पज़ ऑफ मेकिंग दिस मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट इज़ टू नो द प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल ऑफ एसेट्स, वेदर वी हैव सफर्ड सम लॉस और वी हैव गेन्ड सम प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ एसेट्स। ये जानने के लिए हम उस मशीन का एक अलग से डिस्पोजल अकाउंट बना देते हैं। स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास नंबर ऑफ मशीन्स हैं तो मशीन अकाउंट में हम कहाँ दिखाते हैं उन मशीन्स को? हम डेबिट साइड दिखाते हैं, क्योंकि एसेट्स अकाउंट, मशीनरी अकाउंट हमारा डेबिट बैलेंस होता है, हमने उसको डेबिट साइड में दिखाते हैं। अब उनमें से अगर एक मशीन हम बेच रहे हैं तो उस मशीन को हम मशीनरी अकाउंट से आउट कर देंगे। आउट करने का मतलब हम उसको क्रेडिट कर देंगे, और कहाँ लेके जाएंगे? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में ले जाएंगे या एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट में लेके जाएंगे। एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट में हम इसको डेबिट साइड, यहाँ अगर हम क्रेडिट करेंगे तो यहाँ पर कहाँ लेके आएंगे? डेबिट साइड में लेके आएंगे। तो क्या एंट्री हम बनाते हैं? एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू मशीन, यहाँ से आइए मशीन, इधर आइए टू मशीनरी अकाउंट या एसेट्स अकाउंट। इट मीन्स हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, और यहाँ से मशीन कहाँ आ जाएगी? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। कौन सी मशीन आएगी? जिस मशीन को हम ऑलरेडी बेच चुके हैं या वी आर इंटेंडिंग टू सेल इट टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है। यही एंट्री हमने ये कर दी है। अब नेक्स्ट एंट्री क्या होगी हमारी? अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, जो हमारा डेप्रिसिएशन कितना लगा है इस मशीन के ऊपर, फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज अप टू द डेट ऑफ सेल, जितना भी डेप्रिसिएशन है वो हम उसको माइनस करेंगे मशीन में से। तो इसकी क्या हम एंट्री बनाएंगे? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, हम अभी तक क्या करते थे? टू मशीनरी अकाउंट करते थे। अब मशीन तो हमारी यहां पे आ चुकी है, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में आ चुकी है, टू मशीनरी या एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट, और हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, क्लियर है। नेक्स्ट क्या एंट्री होगी? हमने अब इस मशीन को बेच दिया, बेचा है तो या तो कैश आया या हमने बैंक से ट्रांजैक्शन हुई है, तो हम बैंक अकाउंट डेबिट, है ना, यही करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट की जगह अब फिर से हम मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट,
और यहाँ पे हम लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट। स्टूडेंट्स ये सारे काम हम यहाँ पे करते थे, अब इस केस में हमने मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बना लिया है तो हम यहाँ पे करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, हमें ये देखना कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। इन केस हमें लॉस हो रहा है तो हम क्या करते हैं, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, बाय लॉस ऑन सेल, जो हमारा पी एंड एल अकाउंट में डेबिट हो जाता है। तो हम क्या एंट्री बनाते हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। सिर्फ से इतना ही चेंज है कि मशीनरी अकाउंट की जगह हमने मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट या एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट। इन केस प्रॉफिट होता है तो हम कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ये कहाँ जाएगा स्टूडेंट्स, ये पी एंड एल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा और लॉस कहाँ जाएगा, पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं और फिर इस एक एक कॉलम को फिल करेंगे, देखेंगे आपका एग्जांपल हम टीएस ग्रेवाल की बुक से लेते हैं। ये एग्जांपल है हमारा, इलस्ट्रेशन नंबर 24 है, टीएस ग्रेवाल पेज नंबर 14.37। मैं इसको धीरे धीरे पढ़ूंगा और इसको अच्छे से आपको समझाऊंगा, फिर बोर्ड पे करेंगे हम और एक स्क्रीनशॉट आपका वीडियो पे लगा दूंगा। ठीक है, इलस्ट्रेशन कुछ इस तरह से है। यू आर गिवन द फॉलोइंग बैलेंसेज एज ऑन 1 अप्रैल 2005, मशीनरी अकाउंट 5 लैक्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 1,16,000। 1 अप्रैल 2005 की डेट में स्टूडेंट्स मशीन अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है 5 लैक्स रुपीज़ और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, इसका मतलब एक्यूमुलेटेड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हमने दिया हुआ है वो है 1,16,000। डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन मशीनरी एट 20% बाय द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ए पीस ऑफ मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2003 फॉर ₹1,00,000 वॉज सोल्ड ऑन 1 अक्टूबर 2005 फॉर ₹60,000। एक मशीनरी जो 1 अप्रैल 2003 में ली गई थी 1,00,000 रुपये की, वो बेची गई है अक्टूबर 2005 में कितने की, 60,000 की। प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 2006। हमें सिर्फ से एक साल का मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। ऑल्सो प्रिपेयर द मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। तो बनाते हैं स्टूडेंट्स, हमको इन्फॉर्मेशन दी हुई है मशीन अकाउंट का बैलेंस है 5 लाख रुपीज, किस डेट को दिया हुआ है, 2005 का दिया है April 1st। तो हम क्या लिखेंगे, टू बैलेंस BD, ये हमें दिया हुआ 5 लाख की मशीन्स हैं। और हमको एक और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है तो हम इसको कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। कौन सी डेट को, 2005 अप्रैल 1st, कितना दिया हुआ है, 1,16,000, 1,16,000 बाय बैलेंस BD। ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसमें, एसेट्स अकाउंट हमारा डेबिट बैलेंस और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हमारा क्रेडिट बैलेंस। इस डेप्रिसिएशन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, ये जो 5 लाख रुपीज़ की मशीनरी वैल्यू है ये ओरिजिनल वैल्यू चल रही है। अब वो क्या कहता है, डेप्रिसिएशन हमने चार्ज करना है 20% रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे। ठीक है, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। अब वो कहता है कि एक मशीन जो 1 अप्रैल 2003 को जिसकी वैल्यू 1,00,000 रुपये थी उसको बेच दिया, तो उसको बेचा है तो हमें मशीनरी अकाउंट में से उसको निकालना पड़ेगा और एक हम नया अकाउंट बनाएंगे, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग दिस मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट क्या होगा बताओ, मैंने अभी आपको बताया, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग दिस मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट इज टू नो वेदर वी हैव इनकर्ड प्रॉफिट और वी हैव सफर्ड सम लॉस ऑन द सेल ऑफ मशीनरी। तो हम 1,00,000 रुपये की जो मशीनरी हमने 1/4 2003 में ली थी, इसको
हटा दिया यहाँ से ओरिजिनल वैल्यू इसकी, ठीक है, कौन सी डेट को, 2005 अक्टूबर फर्स्ट को ये मशीन सेल करी है, तो हमने मशीनरी अकाउंट में से इसको क्रेडिट कर दिया। और कहाँ लेके आ गए हम, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में हम इसको लेके आ गए 1 लाख रुपए की मशीन 2005 अक्टूबर फर्स्ट, ठीक है, इतना क्लियर है। और आगे चलें, अब ये कहता है इस मशीन को बेचा है 60,000 रुपीज़ में दिया है, तो बैंक अकाउंट हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है 60,000 रुपीज़, हम यहाँ लिख देते हैं, जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ वो तो लिख ही देते हैं। अब हमने क्या निकालना है, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, इस मशीन, ये तो मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट है, अब इस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है वो हमने इसमें से माइनस करना है, तो हम मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो चलिए निकालते हैं, 1 अप्रैल 2003 को इसकी वैल्यू थी 1 लाख रुपीज़, तो हमारा 1 अप्रैल 2004 में कितना डेप्रिसिएशन लगा हमारा, 20% है, तो 20,000, ठीक है, ये हमारा वर्किंग नोट चल रहा है स्टूडेंट्स, वर्किंग नोट नंबर 1, मतलब एक साल में हमारा 20% डेप्रिसिएशन लगा 20,000, तो मशीन की वैल्यू कितनी रह गई, 80,000। अब 1 अप्रैल 2005 अगेन हमारा 20% डेप्रिसिएशन लगा, तो 16,000 है ना, तो हमारी, तो अब इसकी वैल्यू कितनी रह गई, 64,000। किस डेट को, 1 अप्रैल 2005 को मशीन की जो वैल्यू रह गई 64,000 रह गई है। अब इसको बेचा कब है, आप ये देखिए, बेचा है इसको 1 अक्टूबर 2005 में, तो कितने महीने हो गए, 6 मंथ्स, 6 मंथ्स पे आप लगाएंगे 64,000 पे, आपने 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है एट द रेट ऑफ 20%, तो आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 6,400। ये मैंने कैसे कर लिया, ये मैंने 10% निकाल दिया सीधा, क्योंकि हम छः महीने का निकाल देते तो उसको आधा कर दो तो वो 10% हो जाएगा, तो 6,400 ये भी डेप्रिसिएशन हो गया, एक हमारा डेप्रिसिएशन हो गया ये, एक डेप्रिसिएशन हो गया ये, एक डेप्रिसिएशन हो गया ये, तो अब इसकी वैल्यू कितनी बची, 0,0657,57,600, और हमने बेची कितने में है, 60,000 में, सेल हुआ है मशीनरी की 60,000 पे। तो अब देखिए, आप सेल थी हमारी 60,000 की और हमारी मशीन की वैल्यू थी 57,600, तो इट मीन्स हमको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, हमको हुआ प्रॉफिट, कितने का हुआ, 2,400 का। तो प्रॉफिट को हम कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में हमने प्रॉफिट लिख दिया 2,400 का। और हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन है, यहाँ पे हमारा क्या आएगा, इस मशीन से रिलेटेड जितना भी डेप्रिसिएशन है फ्रॉम द डेट ऑफ परचेस अप टू द डेट ऑफ सेल, 20,000, 16,000 and 6,400, तो ये हो गया 42,400। तो हम 42,400 को डेप्रिसिएशन में दिखा देते हैं, 42,400, क्लियर है स्टूडेंट्स। अब हम प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट की तरफ आते हैं, इसमें हमने दो काम करने हैं, एक तो जो हमने मशीन सेल करी है इसका करंट ईयर का डेप्रिसिएशन हमने क्रेडिट करना है, और इस अकाउंट को क्लोज करके जितने भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसको क्लोज करके हमने इसको डेबिट साइड में लिखना है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसका प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 42,400 हमने लिखा हुआ है, तो इस मशीन को हमने क्लोज करना है, तो हम यहाँ लिख देंगे टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट 42,400, ठीक है, कौन सी डेट में, 2005 अक्टूबर 1st, और करंट ईयर का इस मशीन का डेप्रिसिएशन कितना है, 6,400 है, तो 6,400 हमने चार्ज भी तो करना है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये वर्किंग नोट नंबर हमारा 1, ठीक है, ये वर्किंग नोट हमारा 1 चल रहा है। ये कौन सी डेट को आएगा,
अक्टूबर फर्स्ट, क्योंकि अक्टूबर फर्स्ट को बिकी है, हमने अक्टूबर फर्स्ट तक का डेप्रिसिएशन हमने ये 6400 निकाल लिया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में इस जो मशीन बेची है इसका तो हिसाब किताब कर दिया, अब बैलेंस मशीन्स का प्रोविजन्स भी तो हमने करंट ईयर का तो लगाना ही है ना, पूरे साल का, अब वो कैसे निकालोगे? अब ध्यान देना, यहाँ पर स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं, हमने अब क्या निकालना है, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन निकालना है रेस्ट ऑफ द मशीन्स जो अभी हमारे पास हैं, जो अब अभी हम यूज़ कर रहे हैं, करंट ईयर में भी यूज़ कर रहे हैं, 2005 में यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए वर्किंग नोट नंबर 2, हमारे पास कितने की मशीन्स थी, वैल्यू ऑफ मशीन्स एज ऑन 1/4/2005, ओपनिंग बैलेंस क्या था हमारे पास, 5 लाख था, 5 लाख लिखिए, ठीक है, इनके ऊपर ओपनिंग बैलेंस हमारा डेप्रिसिएशन का कितना था, डेप्रिसिएशन का हमारा 1,16,000 था, अगर हम इसमें से 1,16,000 माइनस कर देते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन प्रोविज़न, ये एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन था, तो हमारे पास बैलेंस आ जाता है 3,84,000 का। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 5 लाख की मशीन्स थी, इसमें से एज ऑन 1 अप्रैल का हमने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, तो ये मशीन्स की एक्चुअल वैल्यू आ गई एज ऑन 1 अप्रैल 2005 ओपनिंग बैलेंस सभी मशीन्स का, इसमें वो मशीन भी इंक्लूडेड है जो हमने बेच दी है। अब उसमें से हम वो मशीन निकाल दें जो हमने बेच दी है, उसकी वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2005 को कितनी थी, 1 अप्रैल 2005 को थी इसकी वैल्यू 64,000, है ना, ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल 2005 को हमने माइनस किया 64,000, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, हमने क्यों 64,000 माइनस किया, हमने इस मशीन की रेजिडुअल वैल्यू जो 1 अप्रैल 2005 को थी वो हमने इसमें से माइनस कर दिया, तो अब ये बैलेंस बच जाता है 3,20,000। अब 3,20,000 हमारा 1 अप्रैल 2005 में रेस्ट ऑफ द मशीन्स का है, रेस्ट ऑफ द मशीन्स मीन्स उसमें ये वाली मशीन्स इंक्लूडेड नहीं है, तो अब इसके ऊपर आप 20% लगा लीजिए, 20% डेप्रिसिएशन, तो ये आ गया 64,000 डेप्रिसिएशन, क्लियर है? तो अब ये 64,000 डेप्रिसिएशन को हम यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन फॉर रेस्ट ऑफ द मशीन्स जो हमारे पास अभी कंटिन्यू हैं फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2, 64,000 ये पूरे साल का आएगा। अब ये आया हमारा 2006 मार्च 31st। अब हमने कुछ नहीं करना, अब हमने सिर्फ से बैलेंसिंग निकालना है। अब इसमें देखिए ये एक्चुअल वैल्यू थी 5 लाख, इसमें से 1 लाख की वैल्यू कम हो गई, आप 5 लाख इसमें से अब बैलेंस कितने ही रह गए हमारे पास, 4 लाख की मशीन है, 1 लाख की मशीन तो बिक गई बाय बैलेंस सीडी, ठीक है, कौन सी डेट को, 2006 मार्च 31st, ये अकाउंट तो क्लोज हो गया हमारा, बस इसमें तो इतना ही था। अब आगे चलते हैं इस अकाउंट पे, देखें हमारा लॉस तो हुआ नहीं है, इसको हम हटा देते हैं, ये तो हमने जनरल एंट्री बनाने के लिए आपको बताया था, इसमें हमारा प्रॉफिट कौन सी डेट को था, ये अक्टूबर फर्स्ट को ही आया है हमारा प्रॉफिट, आप इसको टोटल करेंगे दोनों साइड का टोटल इक्वल आएगा, आपको बैलेंसिंग फिगर निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि बैलेंसिंग फिगर हमने ऑलरेडी निकाल दिया है इसका प्रॉफिट, तो आप देखिए 102400 और इसको भी आप निकाल लीजिए 102400, ठीक है, ये अकाउंट भी हमारा क्लोज़ हो गया। अब हमें क्लोज़ करना है प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को, टोटल कर लीजिए इसका 1,16,000 प्लस में 64,000 प्लस में 64,000 1,86,400,
और 186,400 हम डेबिट साइड में भी दिखा देते हैं और बैलेंसिंग फिगर लिख देते हैं टू बैलेंस सीडी, इसमें से माइनस कर देते हैं हम 42,400, तो 1,44,000। और डेट आ गई 2006 मार्च 31st। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश करी है आपको वर्किंग नोट वन और वर्किंग नोट टू को अच्छे से समझाने के लिए। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए या मेरे मेल पे भी लिख सकते हैं, मेल आईडी मेरे दिया हुआ है, तो मैं जल्दी से जल्दी उसको जवाब दूंगा। और अभी हमारा ये वीडियो आज का इतना ही है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंसेप्ट को लेके आएंगे। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से कोशिश करिए पढ़ने की, और बुक में जो आपके एग्जांपल्स दिए हैं या पीछे अनसॉल्वड इलस्ट्रेशंस दी हुई हैं उनको करने की। तो मिलेंगे हम नए वीडियो में नए कंसेप्ट को लेके आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।